शांभवी महामुद्रा, एक ऐसा जबरदस्त प्रयोग जो आपके लिए अध्यात्म के रहस्यमय आयाम खोलता है। शांभवी मुद्रा क्या है? बेसिकली ये मुद्रा भगवान शिव की मुद्राओं में से सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। आपने अपने जीवन में ऐसे कुछ लोगों के बारे में सुना या पढ़ा होगा जिनमें जबरदस्त क्षमताएं थीं, जैसे स्वामी विवेकानंद और श्रीनिवास रामानुजम, इनके पास असाधारण शक्तियां थीं। तो इस तरह की क्षमताएं आप भी पा सकते हैं। शांभवी मुद्रा आपके लिए वही द्वार खोलता है जिसके जरिए आप कुछ ऐसी असाधारण क्षमताओं को ग्रहण करते हैं। इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान में ये सभी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन वो सभी क्षमताएं एक दरवाजे में लॉक हैं। हजारों में कोई एक योगी, कोई साधक अपनी सोई क्षमताओं को सक्रिय कर पाता है। शांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस से आप उस द्वार को खोल सकते हैं। शांभवी मुद्रा आपकी तीसरी आंख या कहें आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है, और आज्ञा चक्र सक्रिय होते ही आपके अंदर कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। अब आप वो देख सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। तो चलिए आज हम शांभवी मुद्रा का एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो आप इस मुद्रा को रोजाना कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मुद्रा को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए। हो सके तो इस मुद्रा को सुबह सुबह खाली पेट करें। और वैसे भी कोई भी मुद्रा, कोई भी मेडिटेशन, किसी भी प्रकार का ध्यान आपको पेट भर के नहीं करना है। आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर एक गोलाकार वृत्त बनाइए। बाकी बची तीन उंगलियों को भी मिलाकर रखना है। आपको आरामदायक आसन पर बैठना है, वेरी कंफर्टेबल। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आपका सिर हल्का सा ऊपर उठा हुआ, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हथेली ऊपर की ओर उठी हुई। जब आपकी हथेली ऊपर की ओर उठी होती है तभी एक छतरी, एक डिस्क का काम करती है, मतलब आपकी हथेली ज्ञान को रिसीव करने का एक उपकरण बन जाता है। और आप आराम से ध्यान में बैठे हैं, आपने अपनी सभी इंद्रियों को बंद कर रखा है। तब ऐसे समय में आपका शरीर सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है, इसीलिए इस मुद्रा में हथेली को ऊपर की ओर रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको कॉस्मिक एनर्जी मिले, ज्ञान ऊर्जा मिले। तो अब आप सही ढंग से बैठे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आपका सिर हल्का सा सामने की ओर उठा हुआ। अब आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। अपनी आंखों की दोनों पुतलियों को अपनी दोनों भौहों के बीच में लाना है, जिसमें आपकी आधी आंखें खुली होंगी और आधी बंद, बिल्कुल शंभू जैसी आंखें। इसे आप 10-15 सेकंड तक करेंगे तब आपके थर्ड आई पॉइंट पर हल्का सा पेन हो सकता है। अगर आपको ज्यादा पेन हो तो इसे छोड़ दें, इसे ना करें। और शुरुआत में अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तब आप इसमें नासाग्र दृष्टि का दूसरा प्रयोग जोड़ सकते हैं, यानी अपनी आंखों की दोनों पुतलियों को अपनी नाक के अगले हिस्से पर लाना है, जो आपकी नाक का छोर है, जो पॉइंट है, वो नुकीले हिस्से पर। आसान करने के लिए आप अपनी उंगली को नाक के सिरे पर रख सकते हैं, बिल्कुल अगले भाग पर, और तब आपको नाक के अपने उसी हिस्से को देखना है जहां पर आपने अपनी उंगली रख रखी है। इन दोनों प्रयोग से आपके आज्ञा चक्र पर असर पड़ता है। असल में शांभवी मुद्रा में थर्ड आई एक्टिवेशन का ही प्रयोग है। तो आपको ये 4-5 मिनट तक प्रयोग करना है, और ये प्रयोग केवल इसलिए है ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में आपका थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र का पॉइंट कहां पर है। क्योंकि इस प्रयोग में आपको अपने माथे पर यानी दोनों भौहों के बीच में जिस जगह पर सेंसेशनल होगा, दबाव होगा, उस पॉइंट को मार्क कर देना है, बस वही आपका आज्ञा चक्र है। असली प्रयोग इसके बाद शुरू होता है। तो जब आप जान चुके हैं कि आपका थर्ड आई पॉइंट कहां पर है, तो अब आपको ठीक उसी मुद्रा में बैठे रहना है। अब आपकी आंखें बंद हैं, आप ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और आप जिस तरह से आधी आंखें खुली, आधी आंखें बंद, आपकी आंखों की दोनों पुतलियां दोनों भौहों के बीच में थीं, अब बिल्कुल यही चीजें
आपको अपनी आंखें बंद करके करनी है। आपका ध्यान दोनों आंखों के बीच उसी आज्ञा चक्र पर होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी सांसों के प्रति चेतन रहें। आपकी श्वास स्वाभाविक प्राकृतिक होनी चाहिए। आपका ध्यान आपके थर्ड आई आज्ञा चक्र पर केंद्रित है तथा साथ ही साथ आप अपने श्वासों के प्रति जागे हुए हैं। बस आपको इस मुद्रा में बैठकर बस ये दो चीजें करनी है। आप इसे रोजाना 20 मिनट करेंगे तो कुछ दिन के प्रयोग के बाद आप अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस करेंगे। आपको इससे जबरदस्त फायदे होंगे क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद क्या पता आपके लिए कौन सी संभावना खुल जाए। अब सवाल यह उठता है, क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए एक बड़ा सैक्रिफाइस करना होता है, जिसमें कि एक सैक्रिफाइस तो यह है कि आपका कनेक्शन सोसाइटी समाज से सगे संबंधियों से वीक होने लगेगा। आपका इंटरेस्ट इस मॉडर्न दुनिया में कम होता चला जाएगा। और दूसरा, शांभवी मुद्रा का यह प्रयोग हठ योग का ही प्रयोग है तो ये कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। जैसे आपके सिर में दर्द बढ़ सकता है और किसी भी प्रकार की दवाई खाने के बाद भी आपका ये दर्द नहीं जाएगा। तो जिन लोगों को इस प्रयोग को करने में अगर ज्यादा सिर दर्द हो तो प्लीज इस प्रयोग को ना करें। उसके लिए विपस्सना मेडिटेशन है ना, वो विधि भी उतनी ही पावरफुल है। वैसे शांभवी मुद्रा उनके लिए अच्छी होती है जो इस शांभवी महामुद्रा की किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेते हैं।